नमस्कार नमस्कार सभी को। जीपीएफ के प्लेटफॉर्म पे आप लोग सबका स्वागत है। हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, अप्लाइड साइड ऑफ प्राउथ। कल हम लोगों का सेशन था, उसमें काफी इम्पोर्टेंट प्राउथ, इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर किस तरह का होगा अगर प्राउथ आएगा तो, इकोनॉमी का किस तरीके से डिवीजन होगा, स्टेट का क्या काम होगा सेंट्रल, तो इस सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे बीच में मंजला दीदी हैं, वो दे रही हैं। और कल एक चीज दीदी ओपन हैंडेड छोड़ दी थी कि सद्विप्र तो होंगे, लेकिन सद्विप्र में भी जो इम्पोर्टेंट प्लेस पे होंगे, तो दीदी ने बोला कि बाबा ने जैसे बोला है कि वो डिवोटी नहीं, ये डाइवोर्सी नहीं होंगे, डाइवोर्सी से वो शादी नहीं करेंगे, किसी वीडो से शादी नहीं कर सकते हैं, और भी कुछ एक दो आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग सबको उस दीदी ने बोला कि सब लोग सोचे कि क्या कारण है, बाबा ने ऐसा क्यों बोला है। तो आज मैं चाहूंगी कि दीदी बाद में बताएंगी, उससे पहले आप लोग अपना बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्यों बाबा ऐसा बोले हैं सोसाइटी के लिए। तो अगर किसी के मन में कुछ ऐसा प्रश्न है, मन में है, या आप लोग सोचते हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन आप लगाते हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। मितु दीदी आप बोल रही थी कुछ। नमस्कार नमस्कार दीदी। नमस्कार जी, कोई कोई बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ दीदी, वैसे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन ये थोड़ी सी नहीं नहीं बोलिए, उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी। मैं तो ये लाइव नहीं, ये तो ऑफिशियल है दीदी, ये तो बाबा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, कोई प्राइवेटली नहीं बोले हुए नहीं। बट मैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स को जब सोच रही थी, तो मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आ गई कि जैसे ही पता चलेगा कि एक लड़का नेता है, मतलब अनमैरिड है, नेता है, और वो फ्यूचर में किसी डाइवोर्स नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट लोग अब आईएएस और इंजीनियर लड़के की जगह नेता और लड़का ढूंढेंगे अपनी लड़की के लिए, कि ये तो कंफर्म है कि मेरी बेटी को अच्छा रख लेगा। तो ये सोच के मुझे हंसी आ रही थी कि नेता लोगों को, लोगों की जो वो है प्रेफरेंस जो है वो मैरिज के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बढ़ जाएगी ये। एंड सेकेंड थिंग, लोग जब देखेंगे कि ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, तो जो आज की तारीख में लोग रोकते हैं बच्चों को कि भाई तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ये गंदा फील्ड है, तो वो उस नजरिए को भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये तो दीदी मैं आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रही हूँ, बाबा ने क्यों कहा वो नहीं मुझे पता। नमस्कार। कोई और है जो कि इस पर अपना टिप्पणी देना चाहते हैं तो जरूर दें। सत्यवती दीदी अनम्यूट करें। दीदी नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अनमार्ग में डिवोर्स का सिस्टम ही नहीं है, डिवोर्स वर्ड ही नहीं है, तो इसलिए डिवोर्सी को कोई सीट नहीं दे सकते हैं, कोई पावरफुल सीट नहीं दे सकते हैं, तो मैं तो इतना ही सोच पा रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, कोई और बोलना, या राजेंद्र दादा? दीदी मैं माइक जी जी राजेंद्र दादा का सुनते हैं पर्सपेक्टिव। टू थ्री आइडियाज इन माय माइंड जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ सद्विप्र लीडरशिप एंड नॉट द टुडेज लीडर्स, एंड बाबा उसी संदर्भ में बोले होंगे, नॉट आजकल के नेताओं के संदर्भ को लेकर नहीं बोले होंगे आई गेस। तो एक तो बड़ी मोटी सी बात आती है, समाज में लोग बोलते भी हैं कि जो परिवार नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा, एक साइकोलॉजी आती है सामने, और ये बात अपनी इसके बहुत आयाम हैं, ये बड़ा ब्रॉड सेंस है, तो बट इसके अंदर बहुत बिटवीन द लाइंस हैं जो आप लोग मंत्रणा भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एंड इवन इन लाइफ, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर्स, बाबा कहीं पर बोले हैं कि जो मानसिकता है एक सद्विप्र की, कि दूसरों की ड्यूटी में जब तक आप पैर रख करके उसके पिंच को महसूस करने का संवेदनशीलता नहीं होगा, यू आर नॉट अ सद्विप्र एट ऑल। सो यू शुड बी, दीज आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लीडर। इफ समवन इज एंग्री विथ मी, समवन डोंट वांट टू लिव विथ मी,
then at least I should very, I mean, broad-mindedly, broad-minded enough to understand her problem or his problem. And then comes the coordinated cooperation. How I am able to, I mean, देखिए सारा खेल ईगो का ही होता है. आप आई थिंक मे बी आई एम मेकिंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट बट मोस्टली ये ईगो के गेम ही होते हैं. जब मतलब आई कैनॉट टॉलरेट ईच अदर, वी कैनॉट टॉलरेट, तभी तो डाइवोर्स होता है, देयर इज नो अदर रीजन. सो वो जब क्वालिटी नहीं है एक में तो उसी अंडर में आ जाता है कि वो देश कैसे संभालेगा. सो अनलेस यू हैव अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन विद अदर्स, not compromising with ideology but convincing others that why we should not do like this, why baba bhi bole ki dekho yadi kisi ko bura kehna hai to har aadmi mein sari to burai nahi hoti hai, kuch to achhai hogi, then you should know to start with positive notes so that their mental eyes is ready to, I mean hear, mental ear is ready to hear what you are saying. So ye sab kyunki ek divorcee aur divorcee shaadi karna, देखिए डाइवोर्सिस से शादी करना ठीक है, जैसे दीदी भी कल बता रही थी भवाचार्यचर में उसको काफी प्रेज किए हैं. ये प्रेज वहां के लिए किए हैं जहां महिलाओं की बहुत, हम समझ सकते हैं कि आज भी गांव में या जो टिपिकल समाज है वहां पर किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वहां पे एक वैल्यूर का एग्जाम्पल भवा लीडरशिप में उसको स्थान नहीं देते हैं. तो मेरे मन में आता है दीदी ईगो इज वन ऑफ द रीजन. एंड एक बात और आती है, ये सारा जो खेल है ये है आत्म सुख तत्व का. आदमी इतना सेल्फिश है क्योंकि आत्म सुख तत्व सम समाज तत्व ये बाबा की बात है, तो इसके अलावा तो कहीं दिया नहीं है. आई डोंट थिंक एनी डिक्शनरी इज हैविंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. आत्म सुख हो सकता है बट सम समाज तत्व वर्ड तो नहीं. और बाबा कहते हैं कि ये भाव को जब तक नहीं रहे, इसको नटसेल में एक बड़ा छोटा सा डिफिनेशन देते हैं और उसको वो डिफिनेशन को वो भागवत धर्म से भी जोड़ते हैं कि जिस तरह से तुम्हारी जान या तुम्हारा वट एवर तुमको प्यारा है उसी तरह से दूसरे के भी जान उतनी ही प्यारी है. अब इसमें बाबा बहुत कुछ बोल रहे हैं. आई मीन द वे वी वॉन्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आई शुड ऑल्सो बी रेडी टू रेस्पेक्ट अदर्स. और ये जब तक भाव नहीं आएगा तो दैट इज ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी इन सर्विप्राज लीडरशिप की समाज तत्व में मैं प्रतिष्ठित जब तक मानसिकता नहीं होगी तो उसको लीडर हम नहीं मान सकते हैं. इज नॉट फिट टू बी क्वालिफाइड एज अ सर्विप्राज. सो दिस इज ए दो तीन पॉइंट अभी सडनली माइंड में. थैंक यू सो मच. थैंक यू दादा, थैंक यू. ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है. अच्छा मीरा दियो जी. दादा थैंक यू. तो कल हम लोगों का ओपन हैंडेड क्वेश्चन दीदी ने छोड़ दिया था कि बाबा ने बोला है कि सद्विप्र तो पूरा समाज होगा, इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर जो होंगे वो डाइवोर्सी नहीं होंगे, तलाकशुदा नहीं होंगे, किसी तलाकशुदा से भी विवाह नहीं करेंगे और ये इवन वीडो से भी वो विवाह नहीं करेंगे. तो क्या कारण है, क्यों बाबा ने जवाब ये सारे जी? और जी दीदी और कोई बोलना चाहेगा जी? जी भाई, भाई मैं पूछ रही हूँ कि और कोई अगर इसमें कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. हमारे बीच में दिलीप सागर दादा हैं, स्नेहल आचार्य दीदी हैं, लेकिन सुप्रिया गोस्वामी दीदी. सुप्रिया दीदी यू वांट टू शेयर समथिंग? जी दीदी नमस्कार. दीदी ज्यादा तो मैंने सोचा नहीं है पर जो माइंड में मेरे आया था वही मैं शायद बोल रही हूँ जी. दीदी क्या होता है कि एक्चुअली जो विडोज रहते हैं या डिवोर्सी रहते हैं उनको शायद मुझे लगता है कि बाद में फैमिली में एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी. ये एक रीजन हो सकता है जो मेरे माइंड में आई कि इस वजह से वो अपना फैमिली देखें या सोसाइटी की जो मेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखें, इसमें शायद प्रॉब्लम आ सकती. बस मुझे यही माइंड में आया दीदी. थैंक यू. थैंक यू. लेकिन एक बात है मेरा दीदी, एक बात है कि सबने सोचा है. जी जी जी. संक्षिप्त में सभी बोले तो अच्छा, जो भी मैं भी अपना बताऊं, मैं मेरे माइंड में भी जरूर जी. मैं मुझे लगता है दीदी कि समाज में एक आप सोशल आपको कोई नकल करेगा सोसाइटी में, ठीक है. फर्स्ट तो ये है कि आप डाइवोर्सी नहीं होंगे, मींस आपको एक फैमिली को सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप डाइवोर्स क्यों लिए, इसका मतलब आप एडजस्ट नहीं कर पाए पहली लाइफ में. और अगर एक लाइफ को आप एडजस्ट नहीं करें पूरे समाज आपके ऊपर दायित्व तो जाएगा, तो फिर आप पूरे समाज को कैसे संभालेंगे? तो ये पहला बहुत इम्पोर्टेंट है.
तो पहला तो अगर आप डाइवोर्सी होना नहीं चाहिए तो जब वो डाइवोर्सी ही नहीं होंगे, वो उनकी उनकी विवाह अगर होती है और पहली पत्नी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन अगर होता है तो दूसरी विवाह की का प्रश्न ही नहीं आता है कि वो किसी वीडो से या किसी तलाकशुदा से उनको शादी करने का। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा जो दादा जैसा बोले कि इन सारी चीजों का अगर बाबा का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्राउड समाज को क्यों चाहिए, आज भी तो हम जी रहे हैं। तो बाबा का कहना है कि आप इतना देर काम करें कि आप सुख से जीवन भी जी सके और जो मेन ध्येय है आपका उसके तरफ आपका ध्यान हो, आपका मन सूक्ष्म की तरह जाए, स्पिरिचुअलिटी जो है जो कि आपका बेस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको समय मिल सके। जब समाज एक 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 समाज जो होगा, एक मतलब राम राज जैसे कहा जाता है कि एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ समाज होगा जहाँ सबको सब कुछ अवेलेबल होगा, तो वैसे समाज में तो वैसे भी आपका आपका चित्त शांत होगा, वातावरण में एक स्पिरिचुअलिटी होगा, अष्टांग योग होगा, योग का जो प्रॉपर मीनिंग समाज को दे पाएंगे। और आप योग और आसन और ये स्टांच मोरालिस्ट होंगे तो आपके लिए विवाह इतना मैटर नहीं करेगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा कि आप एक विवाह तो छोड़ो दूसरा विवाह और तीसरा विवाह का प्रश्न ही नहीं आएगा। आप अगर विवाह करते भी हैं तो एक विवाह में आप समाज को दिखाएं अपनी अपना मोरलिटी, अपनी परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तो आप इतना बड़ा समाज को संभाल पाएंगे। तो मेरा यही था। और कोई बोलना चाहेगा मीरा दी? और नहीं कुछ और किसी ने कुछ सोचा तो बोलना चाहते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा अपने अपना विचार बोलूं। जी दीदी जी बिल्कुल। कोई बोलने वाला है प्लीज प्लीज, क्योंकि ये बात बाबा के टाइम की बात है तो पुराने लोग जरूर जानते होंगे, नए लोग नहीं, क्योंकि ये किताबों में लिखा नहीं है, प्राउट में नहीं मिलेगा आपको, प्राउट नक्शल में नहीं मिलेगा। ये जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके घर में है उसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन जो दी थी बाबा की प्राउट की कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें है, छोटी छोटी किताबें हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, सबके घर में होगी पुरानी लेकिन पढ़ी नहीं होती है सबने पूरी। तो हम लोग उस टाइम पे सो कॉल्ड प्राउटिस्ट थे और कैंडिडेट भी होते थे कभी कभी तो इसलिए शायद हम लोग पढ़े हुए थे, और लोगों ने भी पुराने लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा जी, क्लासेस हुई थी लेकिन किसी ने क्लासेस नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, और ये किसी ने नहीं हमें बताया था कि क्यों ऐसा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें घर में आई थी तो मुझे नहीं पता कि किसी कहीं बाबा ने लिखा है इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा सोचा सोचा और मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर और कोई बोलना चाहता तो वो बोले प्लीज। दीदी आई थिंक अभी तक तो किसी का किसे कोई भी अनम्यूट नहीं किए हैं। अच्छा। और कोई भी कुछ अभी तक किसी का हैंड भी रेज नहीं है या तो दिलीप सागर दादा, दिलीप सागर दादा जी जी वो तो बोलेंगे ज्यादा दादा, बोलने दीजिए उनको। नमस्कार। नमस्कार। जो सब्जेक्ट चल रहा है अभी मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा उसको कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ डिस्कस हो रहा है कि जो सब दिव्य होंगे वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे, ऐसी कुछ बात हो रही है। नहीं 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 दिलीप दा, बात ये है कि बाबा की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो फॉर द हायर ऑफिसर्स मीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो होंगे हायर पोस्ट होल्डर्स के लिए लिखा हुआ है, सदविपर के लिए नहीं है, सदविपर तो जो मर्जी वो करें वो दूसरी चीज है, लेकिन हायर ऑफिसर्स क्वालिफिकेशंस हैं तो उसमें बाबा की क्वालिफिकेशन है कि ही शुड नॉट बी अ डायवोर्सी, ही शुड नॉट मैरी अ डायवोर्सी, ही शुड नॉट मैरी अ विडो, और इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट, लेकिन मैं देखूंगी आई थिंक पता चलता कुछ करेक्ट पड़ता है। लास्ट में कुछ एक और वर्ड है बट आई दैट आई हैव टू कंफर्म कि ही शुड नॉट बी अ विडो आर विडो, लेकिन ये हेयर आई नॉट कंफर्म, मैं भी देखूंगी किताब, लेकिन ही शुड नॉट मैरी ए विडो, ही शुड नॉट मैरी ए डाइवोर्सी, ही शुड नॉट बी ए डाइवोर्सी, हु विल गो फॉर द हायर ऑफिस। ओके तो दिलीप दा आप बोलिए ये बात। हाँ नहीं ये चीज कहीं मैंने भी पढ़ी है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है दादा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी ब्लू बुक है उसमें है, प्राउड की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है दीदी
ये जो ही सुधा भी डाइवोर्सी मान लीजिए री मैरिज कर लेता है तो वो डाइवोर्सी नहीं रहता ना फिर, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ सपोज एक विडो ये तो दोबारा शादी कर लेती है तो वो डाइवोर्सी नहीं कहलाएगी और विडो भी नहीं कहलाएगी बिकॉज शी हैज री मैरिड। तो वो किस रेफरेंस में कहाँ पर बात कही गई है उसको टोटल कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा हम लोग को उस बात को। देखिए बाबा ने चरित्र में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है और खास करके विडोज के लिए, विडोवर के लिए बाबा ने नहीं लिखा, विडोज के लिए लिखा हुआ है कि उसका मान सम्मान और मर्यादा के लिए यदि उससे कोई शादी करता है तो वो समाज में एक उसका एक अलग स्थान होगा, मतलब उसका मान सम्मान समाज में ज्यादा होगा। कि बाबा ने ऐसा क्यों लिखा, वो ऐसा नहीं करें कि वो विदुर जो जो विडोवर है वो शादी करेगा तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसा बाबा ने लिख रहे हैं। लेकिन जो तो यह नारी मर्यादा के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया है इसलिए उस बात पर चरित्रम लिखा गया है। आप जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है कि कोई विडो विडोवर या डाइवोर्सी के हायर पद पर नहीं होगा तो वो जैसे ही वो री मैरिज करता है तो वो उसका जो स्टेटस है नल हो गया, नल एंड वाइड हो गया। मतलब वहाँ कारण ये होगा कि इस तरह के आदमी वहां पहुंचेंगे तो उनकी जो अंदर की जो अर्ज है वो तो समाप्त नहीं होती, तो उस चीज को समाप्त करने के लिए उसको हायर ऑफिस में जाने पर उसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा भी कारण हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। मतलब आप फिर आपका जो बुक हो तो जरा शेयर कीजिएगा हम लोग के साथ में। जी दादा, मैं वो बुक ढूंढूंगी और मैं आपको बताऊंगी, वो मैं डालूंगी, वो मेरे पास है कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन अब कहाँ है मैं, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। यदि शेयर कीजिएगा उसको, याद नहीं जाता। जी दादा, जरूर 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 जरूर, अच्छी बात है दादा। तो अब और कोई नहीं है बोलने वाला? दीदी कोई तो, जी दीदी कोई तो दिख नहीं रहा। तो चलिए अब मैं अपना विचार बोल देती हूँ। मैंने इस पे बहुत सोचा था क्योंकि ये लिखा कहीं नहीं, लेकिन ये कंप्लीट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ढूंढूंगी छोटी सी एक किताबें पर, बहुत सी किताबें, अब वो कहाँ है मुझे ढूंढनी पड़ेगी। सबके घर में होंगी, पुराने लोग क्या रहे, जो भी पुराने प्रोटेस्टेंट हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन है सबके पास, समाज की कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, प्राउड की कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई थी तो उसमें वो लिखा हुआ है। तो मैंने जब सोचा तो मुझे तीन चार चीजें, जब हम लोग बाबा की दूसरी पूरी फिलॉसफी पढ़ते हैं और फिर हमने विवाह के बारे में जब पढ़ा शिवोक्ति तीन में, और फिर दूसरे भी बाबा दूसरी चीज पे भी बोले हुए, सिर्फ हायर ऑफिस के लिए नहीं बोले हैं, दूसरी चीजें भी जब हम सब कुछ जोड़ के देखते हैं तो एक चीज तो है कि बाबा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, अगर कोई इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसको निभाना है, चाहे वो गृही हो चाहे वो सन्यासी हो। सन्यासी का भी रूल है कि जो सन्यास तू छोड़ देता है, ये रूल है, ये बहुत से लोगों को आजकल पता नहीं है, पुराना रूल है। और अगर पुराने लोग, पुराने सन्यासी जानते हैं इस रूल को और पुराने मार्गी भी जानते हैं इस रूल को कि एक सन्यासी अगर सन्यासी बनने के बाद अगर सन्यास छोड़ देता है और फिर वो मार्गी रहता है तो उसको भी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट नहीं देना है, ये रूल है बाबा का। और मुझे मालूम है कि पुराने लोग सभी जानते होंगे, जितने भी पुराने लोग हैं ये जानते हैं, सेमिनार नोट्स में भी होता था ये पहले, अब नहीं होता है। तो बात हुई कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जब ले ली तो वो वापस उसको निभाना चाहिए, एक तो ये बात है। विवाह के बारे में भी बाबा बोलते हैं कि विवाह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। विवाह कोई ये बात नहीं है कि हम आत्म सुख तत्व के लिए कर रहे हैं या किसी और कारण के लिए कर रहे हैं। विवाह अगर हम कर रहे हैं किसी भी कारण से कर रहे हैं, सोशल कारण हो या स्पिरिचुअल कारण हो, तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको हमें निभाना है। जैसे कि राजेंद्र दादा ने बोला कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक जब हम अपना विवाह नहीं निभा पाएंगे तो हम दूसरों फिर हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाएंगे, कुछ भी नहीं। अगर हम एक आदमी से एडजस्ट नहीं हो पाते तो हम फिर सब लोगों की इतनी नेचर्स होती हैं, एक एज ए लीडर सद्विपर के लिए नहीं है, मार्गी के लिए नहीं है, क्योंकि मार्गी को तो विडो और विडोर से शादी करनी है, उसके लिए समाज मित्र को उसको उपाधि भी दी जानी है चरचर्य में लिखा है। लेकिन ये सिर्फ ऑफिस होल्डर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का लिखे हुए हैं बाबा, बाकी कोई छोटी मोटी ऑफिस भी नहीं। तो एक तो है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो वो चाहे सन्यासी हो या गृही हो तो उसको निभाना है उसे।
दूसरा एक और कारण जो मैं बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे लगा कि जहांगीर ने नूरजहां से जो शादी की थी तो कैसे की थी, नूरजहां उसको पसंद आ गई तो उसने क्या किया कि उसको विडोर बना दिया। कोई भी अगर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है तो वो किसी को भी विडो बना सकता है, किसी को भी विडोर बना सकता है। तो मुझे लगता है कि बाबा ये भी सोचे होंगे कि इतना पावरफुल आदमी हो वो अपने तो डाइवोर्स दे दे और दूसरी जो डाइवोर्सी हो उससे उसको डाइवोर्स करवा दे या उसकी मौत करवा दे या उसको विडो बना दे। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये मेरा अपना कारण है कि ये एक लूप होल है इसमें कि जब एक पावरफुल आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसे अपना डाइवोर्स दे, दूसरी डाइवोर्सी से शादी करे या विडो से शादी करे, तो विडो और डाइवोर्सी ये लिखा हुआ है। और तीसरा ये बात एक है कि वो सन्यासी के लिए भी है, हमें ये भी याद रखना है कि सन्यासी भी जो सन्यास छोड़ चुके हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट नहीं देना है। तो एक तो हो गया ये कारण मुझे लगता है क्योंकि ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किए बाबा। दूसरी चीज है कि डाइवोर्स मना नहीं है, किसी ने बोला था कि शायद डाइवोर्स ही मना है बाबा, आनंद मार्ग में डाइवोर्स मना नहीं है, फैक्टर्स है किन फैक्टर्स पे डाइवोर्स होगा और कितने लोग उसको, अगर आपको बिल्कुल मेंटल टॉर्चर है किसी शादी में, कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप रह ही नहीं सकते, तो ऐसा कहीं नहीं बाबा ने लिखा है कि आप शादी को निभाइए चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डाइवोर्स है तो ये भी एक क्लियर हो जाए कि, लेकिन ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज में है तो नंबर वन है कि उसको एक आदमी के साथ एडजस्ट होना है, नंबर टू है कि वो अपने इन्फ्लुएंस से किसी को विडो ना बना दे, किसी को विडोर ना बना ले, किसी का डाइवोर्स ना करवा दे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद ये मना किया हुआ है, कुछ पावरफुल लोगों के लिए मना किया है कि वो उस ऑफिस के लिए कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। तो आप बोलिए इसमें आपको कैसा लगता है कि जैसे नूरजहां से शादी करने के लिए जहांगीर ने उसके हस्बैंड को मार दिया था, अटैक किया और मार दिया और जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, तो ये भी एक लूप होल मुझे लगता है कि ये हो सकता है पॉलिटिकल पावर होने से। या सुप्रिया दीदी हैंड रेज की है, सुप्रिया दीदी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी दीदी थैंक यू, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दीदी। सेकंड पॉइंट से तो हम एग्री करते हैं क्योंकि आजकल के टाइम में भी ऐसा होता है कि किसी को कोई दूसरा पर्सन पसंद आ गया है तो अपने ही पार्टनर के मर्डर की प्लान कर लेते हैं, मर्डर भी कर देते हैं। पॉइंट है दीदी, फर्स्ट पॉइंट में 50% हम लोग मान सकते हैं कि जिनका डिवोर्स हुआ है उनकी मिस्टेक होगी, पर ये भी हो सकता है उनके पार्टनर की मिस्टेक हो जिस वजह से उनको डिवोर्स लेना पड़े, तो इसका 50-50% हमें मानकर चलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जरूरी नहीं है कि जो अगर वो पर्सन डिवोर्सी हो तो उसकी मिस्टेक रहे, ये मुझे बस कहना। हाँ, उसकी मिस्टेक ना हो वो बात दूसरी, ये तो हो सकती है आजकल के टाइम में, लेकिन लीडरशिप के लिए बाबा लिखे हुए हैं कि ही शुड नॉट बी अ डाइवोर्सी, इसका मतलब एक और भी है दीदी। तो सुप्रिया मैं एक और बात सोचती हूँ कि शादी जो है ये एक संस्कार का भी खेल होता है, अगर दो लोगों को संस्कार खे करने तभी हम लोग दो लोग मिले हुए होते हैं, और अगर हम लोग छोटी मोटी चीजों पे या नहीं कंपेटिबिलिटी है तो डाइवोर्स देंगे, तो मेरे ख्याल में इस पे हम ये कभी बात बैठ के बात कर सकते हैं कि डाइवोर्स देना और लेना या अपनी इच्छा से लेना, हो सकता है उसमें हम डिफरेंशिएट करें, लेकिन हायर ऑफिसेज के लिए ये क्वालिफिकेशन बाबा की है तो कुछ ना कुछ सोच के ही हुआ होगा। अब आगे तो हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि आगे का समय कैसा होगा कैसा नहीं होगा क्या पता है, लेकिन डाइवोर्स आनंद मार्ग में मना नहीं है और डाइवोर्सी से शादी भी है, विडो से शादी भी है, लेकिन सिर्फ हायर पोस्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन में डिसक्वालिफिकेशन है, और वो सन्यासी के लिए भी है, जैसे सन्यासी और गृही को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं बाबा, इक्वल रखते हैं, तो उसी तरह ग्रहियों के लिए भी अगर एक रिस्पॉन्स। हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोगों का जब पहली बार बाबा ने एसीबी को शुरू किया था तो उस टाइम से मैं उसको जोड़ती हूँ इस चीज के साथ कि बाबा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, आनंद मार्ग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो ही इनिशिएशन मिलती है तो ड्यूटी दी जाती है, हालांकि पूछा भी नहीं जाता है कि आप कौन सी ड्यूटी लेंगे, कुछ ना कुछ ड्यूटी आचार्य सोच के एक ड्यूटी दे देते हैं और एक डिपार्टमेंट भी अलॉट कर देते हैं इनिशिएशन के साथ साथ ही। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जिसमें ड्यूटी अलॉट हो जाती है,
तो जब एसीबी का गठन हुआ था पहली बार तो मैं वहीं पे थी और पहली एसीबी में फॉर्चुनेटली हम लोग थे। तो कुछ लोग जब अंदर से एसीबी के मेंबर्स की लिस्ट आई बाबा से टिक होके और बाहर आके दादा लोगों ने उसको अनाउंस किया, तद्भावानंद दादा थे उन्होंने अनाउंस किया, तो कुछ लोगों ने उसको, बहुत से लोग होते हैं उस टाइम पे भी थे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं दादा हम ये काम नहीं कर सकते और आपने हमें पूछे बिना क्यों डाल दिया इसमें, हमें पूछे बिना ड्यूटी कैसे दे दी। तो बात शायद बाबा के पास गई कि पूछे बिना ड्यूटी नहीं दे सकते, तो बाद में वहां से बाबा का मैसेज आया कि ड्यूटी जिनको मिली है वो ड्यूटी ले लेंगे और ये कौन होते हैं कि ड्यूटी पूछने वाले, इनको ड्यूटी दी गई है ये ड्यूटी करेंगे, अगर जो नहीं करेगा। एक और चीज थी ये एसीबी के लिए, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं जितने भी कोई अगर इसमें कोई पुराने एसीबी के मेंबर्स हैं, तो बाबा बोले थे कि ये जो एसीबी मेंबर से कोई भी रिजाइन नहीं कर सकता, अपने आप से विड्रॉ नहीं कर सकता, अगर करना चाहे तो अपनी जगह पे एक रिप्लेसमेंट लाए, अपनी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट दे के रिजाइन करे या चला जाए। इसका मतलब बाबा ड्यूटी को लेकर कितने, ये तो मैं एज ए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ पुराने मार्गियों के लिए और न्यू के लिए भी कि बाबा जब ड्यूटी देते थे तो पूछते नहीं थे और उस ड्यूटी को निभाने के लिए फिर शायद वो समझते थे कि इस ड्यूटी को निभाना है, इसको छोड़ के जाने वाला जो होगा वो लूजर रहेगा, वो किसी भी चीज में आगे नहीं, अगर हम छोटी सी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर आगे तक ले जा सकते तो स्पिरिचुअलिटी में हम आगे कैसे जाएंगे, हम आनंद की ओर कैसे जाएंगे। मेरे ख्याल में वो तो बहुत बड़ी बड़ी एक जर्नी है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग और इसमें तो कुछ हमें दिखता नहीं है कि यहाँ पे ये गोल है, ये खिलौना मुझे मिलेगा, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट के पीछे हम लोग जब चलते हैं और एक भावना के पीछे चलना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद बाबा कमिटमेंट को लेके रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्डर्स के लिए बहुत ही सीरियस थे, तो यही मुझे तो यही लगता है। तो बाकी लोगों को अगर कुछ और कोई सवाल हो तो हम बाद में कभी ना कभी तो ले सकते हैं, तो अब हम अपने आगे के कोई क्वेश्चन आंसर ले लें या कुछ बात करें। शिवोक्ति का भी एक बात है और एक सोशल, हम वो जो सिक्स स्पोक्स ऑफ सोशल साइकिल ले रहे थे तो उस पर भी, उसका भी एक दो सोशल सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी का भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम कोई क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पौने चार हो गए हैं, ऑलरेडी पौने चार हो गए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम एक दो फैक्टर ले सकते हैं इसका स्पोक्स का छोटे छोटे। प्रभा अग्रवाल दीदी हैंड रेज की हुई हैं और दिलीप दादा हैंड रेज की हुए हैं, जी प्रभा दीदी आप बोलिए उसके दादा दिलीप दादा। दीदी इसमें नमस्कार टू एवरीबॉडी। दीदी मैं समझती हूँ कि जैसे आपने बोला था कि नूरजहां के बारे में, तो मुझे लगता है कि इसी तरह से ये पोजीशन, चाहे वो लेडी हो चाहे किसी भी टॉप पोजीशन में, जरूरी नहीं है कि मेल ही हो सकता है कि पीएम के पोजीशन में या सीनियर जो मेंबर है उनके पोजीशन में कोई लेडी हो, तो बाबा ने इसीलिए बोला होगा कि जैसे आपने कहा उसको मार के वो बन गया, तो ये भी हो सकता है कि दे गेट टूगेदर, यू नो सपोजिंग अ मेल इज ऑन द दिस थिंग, अ फीमेल गेट्स मैरिड और ही मैरीज री मैरीज अगेन, तो देखिए दो जने हो जाते हैं और उस समय माइंड जो है हो सकता है फोकस ऑन द वर्क ना हो और कुछ और ही इसमें कार्यक्रम चालू हो जाए पॉलिटिक्स का, सो मे बी दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई ही मस्ट हैव सेड कि नहीं लेट इट बी, ये नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट हो जाएगा फोकस ऑन द वर्क मे बी। जी प्रभा दीदी ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो जेंडर न्यूट्रल है, चाहे वो विडो हो या विडोअर हो, चाहे वो डाइवर्सी फीमेल हो या मेल हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जी दिलीप दादा तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये उतना मतलब कि डाइल्यूट होना, ड्यूटी के लिए डाइल्यूट होना तो आप एक मैरिड पर्सन होके भी हो सकते है ना, एक पार्टनर से भी मैरिड होके आप ड्यूटीज को ना संभालें तो फिर तो सन्यासी होना चाहिए, लेकिन सन्यासी नहीं फैमिली मैन ही होना चाहिए।
बिल्कुल दीदी, क्या होता है कि आप पहले लोगों को देखी हैं, इवन नाउ यू हैव सीन पॉलिटिशियंस अपनी वाइफ को मार देते, अपने बच्चों को मार, जी, 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 मैं वही बोल रही थी, परिवार को मार देते हैं, तो देन यू नो जस्ट सो दैट द अदर पर्सन अनदर पर्सन कम्स इनटू द लाइफ, सो यू नो इट कुड एड ऑन टू लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, दैट इज ऑफ कोर्स. तो ये मैं भी सोच रही थी, लेकिन मुझे एक चीज इसमें देखनी होगी प्रभा दीदी, मैं मुझे भी बहुत देर हुई है इसको पढ़े हुए, अब इसमें ही शुड नॉट बी विडोअर, विडोअर है या नहीं, दिस ये पॉइंट मुझे याद नहीं है, इसको मैं देख के बताऊंगी, लेकिन बाकी तो है कि ही शुड नॉट बी डाइवोर्सी, ही शुड नॉट मैरी ए विडोअर, विडोअर ही आर शी, तो ये मुझे पक्का है, लेकिन दिस पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि बट फिर मुझे लगा कि बहुत ही अनरीजनेबल होगा कि वन शुड नॉट बी ए विडो एंड विडोअर, तो मैं उन्हें उसको निकाल दिया, लेकिन मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी और मैं आपको वो किताब भी दिखाने की कोशिश करूंगी, ढूंढनी पड़ेगी मेरे किस मेरे कहीं बहुत दूर कहीं अटिक में होगी या पुरानी किताब. दिलीप दादा अनम्यूट किया, दादा आप जी 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 बोलिए दादा बोलिए. दीदी थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा जो अभी आपने कुछ बातें कही, प्लीज दादा प्लीज, हम जब तक डिफरेंस ओपिनियन में बात नहीं करेंगे तो हम किसी इस पे पहुंचेंगे नहीं, आप बोलिए. जी जी वो आप जहाँ जहांगीर नूरजहां वाली जो बात आप कर रही थी वो हमारे रेफरेंस में वो इररिलेवेंट है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है. देखिए इसमें एक और हम बताएं आपको, अभी मुझे याद आ रहा है आचार्य होने के लिए भी बाबा ने कुछ कंडीशंस बनाई हैं कि हर एक आदमी आचार्य नहीं बन सकता. जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा हो वो आचार्य नहीं बन पाएगा, या जो मान जैसे होते हैं जैसे बच्चे नहीं है जिसके बच्चे नहीं हो किसी कारण से नहीं कर रहे हैं वो भी आचार्य नहीं बन सकता. बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो होने के लिए, ये इनका सबका कारण यह है कि आदमी जिम्मेदारी से भाग रहा है. जैसे मान लीजिए हमारे 4-5-6 जितने भी बच्चे हो जाएं तो क्या हम एक जिम्मेदारी ओन कर रहे हैं उन बच्चों को फिर आगे परवरिश करके उनको समाज में लाने के लिए, एक बहुत जद्दोजहद होती है. आदमी ऊपर वो उठना चाहिए जिसने कि जीवन की सारी परेशानियों को झेला हो. तो ये आचार्य के लिए भी नियम ऐसा बाबा ने बना के गए हैं. और तो अब जो पोस्ट जो बात आ गई कि जो हायर पोस्ट में जो लोग रहेंगे उनको परिवार होना चाहिए, यही कारण है कि अगर उनका परिवार नहीं है तो वो जो सामाजिकता है उसको समझ नहीं पाएंगे. उनको नहीं मालूम होगा कि घर में आटा दाल कैसे आता है. जिसके 4-5 बच्चे हैं उसको मालूम है कि आटा दाल लाने में कितनी उसको मुश्किल होती है, तो उसकी वेदना को वो कोरिलेट कर सकता है. बिल्कुल. या तो वो मान लीजिए कोई अकेला आदमी जिसने शादी नहीं की उसको अपने प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसको उसको मालूम ही नहीं है कि संसार की वेदना क्या होती है. ये सब मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट रीजंस होंगे, क्योंकि आचार्य शिव के लिए बाबा ने ये सब ऐसा गाइडलाइंस लिख करके दिए हैं. तो जिसके बहुत कम बच्चे होते हैं उसको भी आचार्य बाबा नहीं बनाते थे, और जो लग्जरियस लाइफ जीता था वो भी आचार्य नहीं बनता था. तो ये बातें हैं, ये फैक्टर्स मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ऐसा मेरा कहना. नहीं दादा बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी आपने, तो मैं भी इसी तरह का बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकी अच्छी तरह से. तो यही बात थी कि रस्मा, और मैं ये बात भी बोलना चाहती थी दादा, ये आचार्यशिप की बात भी बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा इरेलेवेंट होगा और जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट आपने उठाया है कि आचार्य के क्वालिफिकेशन में भी है कि वो आचार्य नहीं बन सकते जिन्होंने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया हुआ है या बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. तो ये भी जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने बच्चे ज्यादा ही करना बोला हुआ है चर्याचर्य में. बाबा लिखे भी हैं कि बच्चे उतने ही कीजिए जितने को आप संभाल सके, लेकिन फिर जब आचार्य बनने की क्वालिफिकेशन आती है तब बोलते हैं कि उनको मैक्सिमम बच्चे होने चाहिए और अपना बच्चा समाज के लिए देने के लिए तैयार भी होने चाहिए और फैमिली प्लानिंग का नहीं की होनी चाहिए, मीन्स ऑपरेशन नहीं किया होना चाहिए. अभी तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग आचार्य हैं जिनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस हुए हैं, सर्जरीज हुई हैं. तो ये चीज मैं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने कहा ये अभी रेलेवेंट होगा. तो ये चीजें सब जो आप बोले हैं कि जो आदमी आटे दाल का भाव नहीं समझेगा, जो बच्चों की वेदना नहीं समझेगा, जो लड़का और लड़की में डिफरेंस क्या है, संतान में डिफरेंस क्या है, तो वो क्या कानून बनाएगा. जो
जो एक तरह का रिजिड होगा, जिसको फैमिली की सेंसिटिविटीज और सेंसिटिविटीज नहीं होंगी, तो कानून बनाने के लिए वो सक्षम नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है दादा, और आपने मेरे ख्याल में अभी अभी सोच के उसको इम्प्रूव किया है, और यही एक कारण भी था हमने कल जो अभी क्वेश्चन दिया था कि सभी लोग सोचेंगे, हम लोग इसमें स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अपना अपना सबका अपना अपना विचार है, जब सोचेंगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा था, थैंक यू दादा। सुमीरा दी, अब समय तो 3:50 हो गए। दीदी अभी राजन दादा हैंड रेज किए हैं, तो आज जी जी वो इसी टॉपिक को दीदी हम लोग चलते हैं, रियली बहुत सुंदर निकल करके आया। पहली बात तो सबकी विचार हमारे आचार्य जी को बोले कि हमारा विचार अगेंस्ट, आपने तो बिल्कुल फेवर में बोला दादा, यू हैड ब्रॉट अ वेरी फेवरेबल पॉइंट, दैट इज वन। जी 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 आपने कहा था उसमें जो पहले पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो था कि शपथ का महत्व। यदि मनुष्य शपथ का महत्व ही नहीं समझता है तो आई डो नॉट नो, कहीं और भी लिखा होगा, बट आई बिलीव दैट ही इज नॉट अ ह्यूमन, ही कैन नॉट क्वालिफाई एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन यू थिंक ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो जो ओथ पार्ट है लोग बहुत लाइटली लेते हैं, इवन बिल्कुल बिल्कुल दादा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है ये जो ओथ पार्ट है, और मैंने बहुत से लोगों से बोला दादा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सिर्फ बोल देती हूँ और फिर आपकी आपको ही समय दूंगी। मेरी ये बहुत ग्रीवेंस रही है पहले से, कि जिन लोगों की आरएम्स हुई है और ओथ को नहीं समझाया गया है, क्लासेस नहीं ली गई। मैं तो हमेशा ये जो सोसाइटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट था, हर एक से मैंने बोला है कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, क्लासेस लेते हैं अपनी ओर से, जो भी समझाना है, हम लोग इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं आरएम का और हम ओथ को नहीं समझाते। अगर हम ओथ को समझेंगे तो मुझे लगता है डाइवोर्सेस होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो दादा आप बोलिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया। ये समझते हैं कि सद्विप्र के समय ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने नूरजहां और उसका एग्जाम्पल दिया, ये कभी नहीं भूलना चाहिए दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। द रीजन इज बिकॉज इवन इफ यू आर अ मॉरलिस्ट टुडे, morality is not a static force, baba ka word hai, is a dynamic force, baba ka word hai, yes, given a situation, maybe you are a moralist today, maybe given a situation you may not be a moralist next moment, bilkul bilkul dada, so this is always possible, so this is how I wanted to, thank you dada, bahut acha point hai, aur ye jo oath wala point hai, hame lagta hai humko ek din is pe bahut zyada बात करने की जरूरत है। सोसाइटी बिल्डिंग में तो दीदी जो लोग ओथ को नहीं मानते उनको मैं तो मतलब बोला नहीं, मैं तो मनुष्य ही नहीं मानता, सीधी से बिल्कुल दादा पर्सनल बातें हैं, मैं भी वही कहती हूँ दादा, और मैं कह कह के थक गई हूँ। अब हम लोग, मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमें अब, मैं चाहती थी कि एक मेल पर्सपेक्टिव भी आए, सिर्फ फीमेल पर्सपेक्टिव ना रहे इस इन विचारों पे। आपने मेल बोला तो मेरे एक और बात आई दीदी कि हम सबकी एक आदत होनी चाहिए, वेयर एवर वी आर यूजिंग द वर्ड ही immediately it should come she oblique immediately ah, he, yeah baba bole wo bhi dada we have to be that rational in our approach of course I mean even didi ki sabko dekhe either he or why wherever he comes you have to oblique she and then you stand in a real society we are thinking ji dada acha is pe baat se baat nikli hai dada to mujhe ek baat yaad aayi hai to wo bol deti hu kyunki samay nahi milta fir in cheezon ka bolne ka to is cheez ko jab हमें बोला गया था कि बाबा ने जब पहली बार सुप्रीम कमांड दिया तो बाबा ने लिखा था ही हु परफॉर्म साधना, तो इसको कुछ अब इंडियन लोगों ने तो नहीं, इंडियन लेडीज ने तो नहीं किया होगा उस टाइम पे इसको ऑब्जेक्ट, लेकिन कहीं बाहर की लेडीज लोगों ने जब इसको ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्शन रेज की कि बाबा ये कैसे हो सकता ही हु फॉलोज, तो तब ही तो तब बाबा ने बोला कि वेन एवर आई से ही, और ये बाबा ने बहुत जगह पे लिखा हुआ है, किताबों में भी लिखा है कि whenever I say he, it means she, तो फिर बाबा देखिए बाबा कितने रैशनल थे कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन की जाती थी फिजिकली भी तो वो उसको चेंज करते थे अगर ये रैशनल था, तो बाबा ने फिर सुप्रीम कमांड में वर्ड बना दिया those who perform sadhana twice a day, तो बाबा अगर इतने रैशनली किसी पॉइंट को ले सकते हैं, हमारी विचारों को ले सकते हैं कि बाबा आप ही लिख रहे हैं, फिर बाबा बोले भी हैं, और मैंने बहुत जगह पे आपने भी पढ़ा होगा, जो लोग बाबा की किताबें पढ़ते हैं तो बहुत जगह पे बाबा जब ही लिखते हैं तो फिर वो लिखते हैं व्हेनेवर आई से ही या व्हेनेवर आई से मैन, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग, ही एंड शी बोथ ऑफ देम
आर डिनोटेड या उनको बाबा रिप्रेजेंट करते, तो ये एक अच्छी बात थी जो हमें बोलने का चांस मिला दादा। तो ही एंड शी आर ही आर मेन, मेन में बाबा बोले कि मेन और वुमेन में दोनों को, अगर बाबा की किसी भी जगह पे हमें ही लगता है तो ही नहीं उसमें शी भी है, और अगर कहीं मेन लिखे हैं बाबा तो बाबा बहुत जगह पे लिखे हैं कि जब मैं मेन लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो थैंक यू दादा, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया, इस टॉपिक पे हम लोगों को, मेरा दी हमें लगता है कि हमें ओथ पे कभी बात करनी चाहिए। दीदी एक और रिक्वेस्ट आया है प्रभा दीदी का कि दीदी कीप दिस पॉइंट इन माइंड, टॉक अबाउट द ओथ्स इन वन सेशन। हाँ ये बहुत अच्छा रेज किया है राजेंद्र दादा ने, और दीदी हम चाहते हैं कि रात के, दीदी हम चाहते हैं कि रात के सेशन में नहीं, हम अपने सेशन में रखेंगे। रात के सेशन में बहुत लोग होते हैं और बहुत समय चला जाता है दीदी और रात के सेशन में। और दीदी हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग इसी को रखेंगे कि, क्योंकि ये रियली इम्पोर्टेंट रखेंगे, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि राजेंद्र दादा और दिलीप दादा ये लोग भी हमारे साथ रहें, प्राउडेस्ट लोग रहें। दीदी मैं सारे जगह सबको पर्सनली भी शेयर करती हूँ, तो डेफिनेटली और इम्पोर्टेंट है कि दादा लोग भी रहे, क्योंकि आधा अधूरा से काम नहीं चलेगा कि हम अपनी बातें अपनी ही सुने, मेल एंड फीमेल वर्सन दोनों होना चाहिए। तो इसलिए दादा दीदी मैं जब भी शेयर करूंगी तो सबको शेयर कर दूंगी। लेकिन मेरा दी एक 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 काम कर सकते हैं, हम अपनी डेट नहीं फिक्स करेंगे, जब सभी लोग चाहेंगे तब इस पे बात करेंगे, ठीक है दीदी? जी जब वो चाहेंगे कि हाँ दीदी इस पे हमारे पास समय है तो तब इसको रखेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे, अगर नेक्स्ट ट्यूसडे इन लोगों को समय नहीं है, ये टॉपिक रख रही हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम में, तो पूछ लीजिए सबको दीदी। यही लोग बोलेंगे कि हाँ हम अवेलेबल होंगे। दिलीप दादा, आचार्य दिलीप दादा, शिवानंद, ये शिवानंद धानी दादा भी हैं, तो दादा भी काफी अच्छा लिखते रहते हैं। दादा आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत ही मैं दादा से फर्स्ट टाइम मिली और मैं मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं दादा का पढ़ती रहती थी, प्राउड पे दादा का आता था, अभी जो PSS का था उसमें दादा आए हुए थे, तो मैं मिली फर्स्ट टाइम। रियली बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, उनका सौम्य स्वभाव, और जो ज्यादा जानते हैं ना वो एकदम ये हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, समुद्र सर्कुलेट कर दीजिएगा। आई थिंक मेनी इंटरेस्टेड पीपल विल जॉइन, इज सच अ ऐसा टॉपिक ही है, पीपल विल जॉइन। जी जी दादा, बहुत जरूरी टॉपिक है दादा, हम लोग RM कर लेते हैं, करवा लेते हैं, और उसके बाद ना हमने सिखाया होता है कि RM को सक्सेसफुल कैसे करना है, और फिर हम लोग सोचते हैं कि RM में क्लैशेस आते ही हैं, ये तो हमारे संस्कार हैं, तो जो ना भी आने चाहिए तो वो भी आ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ओथ पे हम लोग कभी ना कभी बात करें, जब भी सब तैयार होंगे तब करेंगे। मेरा जी शिवानंदा दादा, शिवानंदा धानी दादा, हाँ शिवानंदा कुछ बोलना चाहें तो जरूर, प्लीज प्लीज। दीदी नमस्कार सबको। नमस्कार दादा। मुझे, मैं तो बहुत बाद में ज्वाइन किया तो मुझे सब्जेक्ट मालूम नहीं था, लेकिन आप लोगों का ये कुछ सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा, है ना। तो मैं थोड़ा दूसरे काम व्यस्त था, तो अचानक देखा कि मीटिंग है, तो इस मीटिंग को मैं थोड़ा ज्वाइन कर लूँ, तो लेट किया। तो फिर कभी अब कुछ होगा तो देखते हैं दीदी, अभी तो ये नहीं दादा। आज हमारा एक सब्जेक्ट था, आप पुराने दादा है, मैं जानती हूँ आप पुराने हैं, तो मुझे लगता आप जानते होंगे, बाबा का एक कॉन्स्टिट्यूशन था प्राउड का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो हाईएस्ट पोस्ट होल्डर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, तो उनकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो ना तो डाइवोर्सी होंगे, ना डाइवोर्सी से शादी करेंगे, ना विडो से शादी करेंगे। तो शायद आपने पढ़ा हो, तो वो था आज का। बुक का नाम क्या है? मैं तो नहीं पढ़ा, मुझे ख्याल नहीं आ रहा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है दादा, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आनंद मार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, प्राउड क्या, कुछ तो होगा उसका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ समाज है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्राउड है? मैं दादा, मैं उस बुक को ढूंढ के डाल दूंगी, इसमें डाल दूंगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बहुत पुरानी बुक है और छोटी छोटी बुक से डाल दीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट दैट। हां उसको पढ़ें, खोजेंगे, मेरे पास कुछ पुराने बुक बहुत सारी कुछ रखी हुई है, तो देखने से पता लगेगा क्या है कैसा। दादा मुझे याद आ रहा है, इतनी छोटी छोटी सी एक बार
कैंडिडेट्स के लिए बुक्स बनाई गई थी छोटी छोटी सी, और उसमें येलो कलर की थी, ब्लू कलर की, मैं ढूंढूंगी कहीं मेरे पास जरूर है। तो ब्लू कलर की एक कॉन्स्टिट्यूशन थी, पीएसएस की या प्राउड की कॉन्स्टिट्यूशन थी शायद, समाज की या प्राउड की थी, तो हमको भेजी गई थी, हम लोगों ने लाई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स। मैं उसको ढूंढूंगी और जरूर मैं उसको डालूंगी। पुराने लोग हैं जैसे छत्तीसगढ़ी समाज के लोगों, थोड़ा जागेश्वर जी वगैरह हैं, उनसे थोड़ा कांटेक्ट करके वो चीज मैं देखता हूँ रायपुर जा करके। और मुझे ये बात अच्छी लगी जो शपथ वाली जो बात है, जो मैरिज का जो ओथ लेते हैं, वाकई में बहुत सारी शादियां हम लोग देखते हैं नहीं टिक पा रही आरएम के बाद भी, तो लोगों को ओथ का जो एक जो उसका सार है ना, ऐसी बोल लेते हैं, दिल से नहीं बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बोलवा दे रहे हैं बोल लिए, लेकिन जीवन में उतारते नहीं है लोग, इसलिए ये डाइवोर्स होने की नौबत आती है ऐसी सब। वाकई में लोगों को ये सब चीज में थोड़ा सा बिफोर मैरिज आजकल बहुत जल्दी होती नहीं कि देखे और तुरंत हो गई, तो ये सब चीज को ट्रेनिंग होना चाहिए आरएम कैंडिडेट के बीच में भी कि बाबा जो शपथ दिए हैं ओथ दिए हैं उसका मीनिंग लोग समझें और उसको जिए, उसको अपने जीवन में निभाएं, तो आरएम में डाइवोर्स होने का सवाल ही फिर नहीं उठता, वो सवाल ही नहीं होगा। तो ये इसीलिए दादा ये चीजें मैंने तो बहुत बार बोला था सोसाइटी बिल्डिंग को, लेकिन क्योंकि इस पे जितने इंटरेस्टेड हम लोग फैमिली पर्सन है, लगता है कि सन्यासी लोगों के लिए उतना प्रायोरिटी ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए जो फैमिली में है, जिनके बच्चे फैमिली में है, जिनके बच्चे शादियां कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए लगता है कि हम लोगों के लिए जरूरी और हमारे प्लेटफॉर्म पे ही बात हो तो अच्छा हो, शायद अच्छा हो। जी जी दीदी। अच्छा एक बात जी, मैं मुझे जब वो बात बोला ना ये जैसे डब्ल्यू टीज के लिए भी, तो मैं अभी कुछ दिन पहले, बहुत पुराने मार्गी हैं छत्तीसगढ़ के, आजकल वो बांकुड़ा में शिफ्ट हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में रहे, तो वो बता रहे थे 1980s के आसपास कलकत्ता में डीएमसी हुआ था, तो बाबा ने आदेश किया कि जितने एक्स डब्ल्यू टी हैं जब तक पंडाल से नहीं निकालोगे मैं जाऊंगा नहीं, वो उस डीएमसी में थे, बिल्कुल इतने झाड़ू बोले झाड़ू मार के निकालो इन लोगों को, बाबा के शब्द वो बता रहे थे। अभी एक आध हफ्ता पहले मेरे उनसे फोन में बात हो रही थी, तो उन्हें बोला दादा हम लोग पुराने हैं, कुछ चीज को आप सेव करके लिखते छत्तीसगढ़ के बारे में इस रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे डब्ल्यू टी वापस आए, तो उन्होंने इसी रेफरेंस से बताया कि उस डीएमसी में था 1980s के आसपास का है, शुरू में कलकत्ता में डीएमसी होता था, तो उसमें थे अनाउंसमेंट हुआ जितने एक्स डब्ल्यू टी हैं सबको निकालो यहाँ पे तभी बाबा आएंगे करके, तो फिर सब छटनी शुरू ही बता रहे थे, हम तो नहीं जा पाए थे उसमें, तो जब तक बोले बाबा सब सबको झाड़ू मार के निकालो पंडाल से, तो बाबा जब सब पता किया गया जब निकाला गया तब बाबा उस डीएमसी में आए थे उस। बिल्कुल दादा, और यही बात मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं, क्योंकि हम नए लोग जानते नहीं इन चीजों को, आजकल को देखते हैं एक्स वर्कर है, एक्स वर्कर को कोई पोस्ट दी जा रही है, सेमिनार में आ रहे हैं, कुछ भी हो पर्सनल चीज नहीं है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि क्यों उनको पोस्ट नहीं देना है, डीसी में आए साधना करें उसके लिए मनाही नहीं है उनके, बस वहां तक ठीक है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो जिनको पोस्ट होल्ड किए हैं, बड़े बड़े एक्स डब्ल्यू टी है, जब बाबा जी, ने जी, 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 बना दिया तो उसको फॉलो करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा के टाइम पे ये रूल था और बोला जाता था, सेमिनार बुक्स में लिखा है पुरानी में, लेकिन आजकल तो लोग ना कोई जानता है और नई जनरेशन जानेगी कैसे। उनके लिए अलग से वो रहता था कि वो अप्लाई करें डीपीएस को और लिखें तो उनको परमिशन मिलेगा केवल डीसी वगैरह आने का, प्रोग्राम अटेंड करने का, लेकिन कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते वो लोग। बिल्कुल हाँ जी 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 दादा, ये बात थी। चलिए आज बहुत अच्छी बात हुई। और मीरा दीदी मैं एक और बात बोलने वाली हूँ, तिसिया माथुर दीदी हाजिर हैं तो उनको भी ले लेते। तिसिया दीदी नमस्कार। हाँ दीदी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, नमस्कार। मैं पहले बहुत दिनों बाद इसको देख रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स रियली नाइस टू हियर ऑल दिस कॉन्वर्सेशन। एंड बाबा ने ये किताबों में, पुरानी किताबों में बहुत चीजें लिखी हुई है, जैसे दीदी बता रही हैं प्राउट वाली, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और सबका बारे में लिखा है, ऐसी हमारे पास भी है कुछ ऐसी पुरानी। जी दीदी जरूर देखिएगा, जरूर मैं भी ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढिए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी छोटी बुक्स थी, छोटी छोटी बुक्स छोटी छोटी इतनी बुक्स है, ब्लू कलर की बुक जिसने लिखा था मुझे याद है। जी जी मुझे वो बुक मुझे याद है, मेरे पास एजुकेशन की ज्यादा है, थोड़ी जी 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 कॉन्स्टिट्यूशन थी प्राउड की और पीएसएस कॉन्स्टिट्यूशन की थी।
चलिए चलिए मैं ढूंढूंगी जो हैं पुराने कागज वगैरह वो मैं देखना शुरू करूंगी प्राउड के जो हैं जो प्राउड से संबंधित प्लीज दीदी प्लीज मेरी हेल्प हो जाएगी डिवोर्स के तो बिल्कुल अगेंस्ट थे बाबा आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं मगर बाबा डिड नॉट बिलीव इन डिवोर्स जी दीदी तो दीदी मेरी हेल्प हो जाएगी क्योंकि मैंने ये पंडोरा बॉक्स खोल दिया है अब सभी बोल रहे हैं कि दिखाइए कौन सी किताब है तो ये मेरी बनती है कि मैं आपको जी मैं आप सबको भी कभी कभी मेरा दी कभी कभी होता है मेरा दी आई सॉरी मेरा दी आप जी बोलिए बोलिए मैं एक और मुझे एक बात याद आई थी जिसको मैं इसी टाइम पे बोल देना चाहती थी लेकिन चलिए अगर समय नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन मैं बोल रही थी कि मेरा दी कभी कभी क्या होता है कि पढ़ा हुआ सुना हुआ उस टाइम का याद है ना तो बोल तो देती हूँ लेकिन फिर वो किताब कौन सी ढूंढनी है बहुत मुश्किल होती है तो मैं जरूर इस किताब को ढूंढूंगी क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस किताब को लेकिन मैं इसीलिए मैं पुराने लोगों को पूछ रही थी कि वो भी उनके पास भी वो किताब जरूर होगी तो उस समय पे तो ये किताबें थी और सब लोगों ने इसको पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था तो और बात आप बोलिए और अगर मुझे फिर कुछ याद दीदी मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट जितने लोग अभी जुड़े हैं मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगले नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे अगेन इसी टाइम पे होता है आप लोग सब जरूर जुड़े क्योंकि अब हम लोगों का जो स्टडीज हम लोगों ने बहुत लेक्चर सुना अब हम लोगों का ओपन डिस्कशन है प्राउड पर हर कोई का विचार सुनना चाहते हैं कुछ न्यू निकल करके आ जाए तो दीदी का कहना है कि मैं सुनना चाहूंगी किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब दूंगी कोई अगर उनके प्रश्न का भी जवाब देना चाहते हैं तो भी कंसीडर किया जाएगा तो जितने सीनियर मार्गीज हैं और जितने जैसे आज शिवानंदा धानी दादा जुड़े थे राजेंद्र दादा दिलीप दादा जुड़े थे और भी काफी सारे पुराने प्राउटिस्ट वगैरह जुड़े हुए थे तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर जुड़े क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा की मर्जी है ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं हो रहा है हम लोग अगर यूनाइट हो रहे हैं मोरलिस्ट तो कुछ तो कारण है चारों तरफ एक वातावरण दिख रहा है और एक उस तरह का माहौल भी सेट हो रहा है तो शायद इन फ्यूचर ऐसा वातावरण आ रहा है और हम लोग अगर तैयार नहीं होंगे तो शायद अपने आप के लिए हमें रिग्रेट ना हो तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जुड़े दीदी तीन लोगों का हैंड रेज है और दीदी मैं एक बात मुझे याद आ रही है मैं वो बोल देती हूँ इन्फॉर्मेशन है इसलिए बोलने के बाद फिर आप लोग फिर मैं नहीं बोलूंगी मुझे अभी याद आ रही थी एक और चीज थी दीदी और दादा राजेंद्र दादा और धानी दादा से बोलना चाहती हूँ पुराने लोग जो है तो ACB को जब बाबा ने दिया था बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा जब लोगों को लगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर कोई नेशनल कमेटी बनाने लगा कोई ये कमेटी कोई स्टेट कमेटी तो तब भी मैंने सोचा था इस बात पे और मैंने बोला भी था बहुत से फोरम्स पे कि बाबा को जो दिया हुआ सिस्टम है उसमें बाबा ने जब ACBs दी तो बाबा ने बोला कि स्ट्रक्चर आनंद मार्ग का स्ट्रक्चर जो है तो एक तो स्ट्रक्चर जिसमें सन्यासी रहेंगे और ग्रही रहेंगे तो ग्रहीज का जो बाबा ने हाइएस्ट ACBs बनाए हुए थे तो ACBs में बाबा ने एक बात बोली थी मैं बोला था कि इसमें सिर्फ मार्गी रहेंगे तो ACBs में सिर्फ मार्गी थे इसमें कोई सन्यासी स्ट्रक्चर नहीं होगा थोड़े दिन के बाद बाबा के जाने के बाद 90s में हम लोग कोयम्बतूर DMS में गए थे तो वहां आज वो यहाँ नहीं है बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में तीर्थानंद आ रहे थे हमने जब बोला कि ACBs को क्यों डिसमेंटल किया जा रहा है इसमें ACBs को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो वो पता क्या बोले वो बोले कि ACBs में हम लोग देख रहे हैं कि ACBs में सन्यासी स्ट्रक्चर को कैसे घुसाया जाए तो क्योंकि उसमें सन्यासी स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए हम ACBs को नहीं एनकरेज कर सकते तो ये बात जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्योंकि पुराने मार्गी लोग इसको जानते हैं क्या है ACB का फुल फॉर्म क्या है ACB का एडवाइजरी बोर्ड एंड वर्किंग एडवाइजरी कमेटीज और वर्किंग बोर्ड्स ACBs में सिर्फ मार्गीज का रहना हमारे टाइम पे बाबा ने बोला था कि उसमें सिर्फ मार्गी स्ट्रक्चर होगा उसमें सन्यासी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो बाबा बोले थे कि आज मैंने अपने स्ट्रक्चर को दोनों जो पहिए हैं ग्रही और सन्यासी जिनकी जो कि इक्वली उनकी एक इक्वल स्टेटस है उन दोनों को मिला के
मैंने उन दो इन दोनों पहियों को इक्वली इक्वली रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल कर दिया, पावर नहीं इक्वल शक्ति दे दी है। तो अब होगा क्या कि इधर से स्ट्रक्चर सन्यासी स्ट्रक्चर, इधर से गृह स्ट्रक्चर, ये जाके कहाँ मिलेगा, जाके पीपी के साथ पास मिलेगा, जीएस के पास और जीएस से ऊपर पीपी के पास। तो तब तक ये बोले थे बाबा कि अब ये दोनों पहिए पूरे मुकम्मल हो गए, अब गाड़ी को चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात बाबा ने जब एसीबीज दी थी तो बोली थी, और बाद में फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये इन्फॉर्मेशन एक देना चाहती थी कि अगर एसीबीज में कोई सन्यासी स्ट्रक्चर आता है तो ये भी उस टाइम पे मना था, समाज में भी सन्यासी स्ट्रक्चर मना था, सिर्फ सिर्फ समाज में समाज के लोग ही रहेंगे, समाज पीएसएस में भी सन्यासी स्ट्रक्चर मना था। हमारे साथ जब हम लोग अकेले काम तो हमेशा निकम्मे ही रहे, हम लोग अकेले काम नहीं करते थे, सन्यासी लोग बेचारे आके हमको हेल्प करते थे, लेकिन सादे कपड़ों में हेल्प करते थे, व्हाइट क्लॉथ में सादे कपड़ों में रहकर समाज का काम करते थे। तो ये बातें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बोल दी है। अब अगर किसी को इस पे कुछ दीदी ये जयश्री दीदी जादव दीदी हैंड रेज किए हैं, जयश्री दीदी वेलकम। नमस्कार दीदी। नमस्कार। आज के सेशन में कुछ विवाह के बारे में बात चली है, तो कुछ विवाह के बारे में एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक विचार आया था, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो, जी दीदी। हाँ सर, तो मैं कर सकती हूँ विवाह के बारे में शेयर? शेयर जी दीदी बोलिए। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विवाह शादी होने के बाद वो टूट जाते हैं, और बाद में शादी के बाद पता चलता है कि ये लड़के की ये ऐसी आदतें हैं, ये लड़के का ये ऐसा बैकग्राउंड था, या वो लड़की का ऐसा, तो ये सब हमें शादी के बाद में पता चलता है, क्योंकि शादी के पहले बहुत सारे लोग कुछ बताते नहीं, फैमिली के लोग भी बताते नहीं है, इवन रिलेटिव्स वगैरह भी बताते नहीं, या वो लोग भी नहीं ऐसे किसी से आजू बाजू के लोगों से भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी शादी हो जाती है और फिर बाद में हम लोगों को पता चलता है। तो ऐसा मेरा एक था कि शादी के पहले ही वो जो भी लड़का है या लड़की है उन्होंने डिक्लेयर करने का कि क्या क्या उनकी आदतें हैं, क्या उमेंस कुछ भी एडिक्शन है या कुछ उनका बैकग्राउंड। आजकल तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन ये भी बाकी के जो है मीन्स कुछ एडिक्शन या ये वो सब ऐसे डिक्लेयर करने का, और सब शादी होने के बाद में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और शादी होने के बाद में पता चला, तो फिर उनके ऊपर हम केस डाल सकते हैं, मीन्स 420 से 420 वगैरह ऐसे केस है ना, ऐसे डाल सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो लड़के लोग भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे, बाबा हम लोगों का ऐसा हो जाएगा तो अपनी शादी नहीं होगी या शादी के बाद ऐसा होगा, तो इसका ऐसा भी बेनिफिट है, तो ऐसा हो सकता है ऐसा कानून वगैरह ऐसा? दीदी इस पे कुछ बता सकती हैं, तो क्योंकि मीरा दीदी मैं बोल रही थी कि आप बोलेंगी कि अगला जो आप सेशन रखने जा रही हैं ओथ वाला, तो उसमें तो शादी की बातें होंगी ना जी दीदी, उस टाइम पे तो दीदी जयश्री दीदी आप जरूर जुड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों का जो शादी होता है या फिर जो सन्यासी आचार्य बनते हैं या फिर जो WT बनते हैं उनके लिए कुछ ओथ्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो ट्यूसडे सेशन रखेंगे उसमें ओथ्स का इम्पोर्टेंस हम लोग बताएंगे, और इवन विवाह में जो ओथ्स होते हैं उसका भी इम्पोर्टेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक को अब नेक्स्ट सेशन के लिए मीरा दी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी उनकी बात का कि त्रिशा दी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो हम आनंद मार्ग की शादी की कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बोले हुए हैं कि हर एक इंसान को दो के पास दो ही ऑप्शन है, या तो रिस्पॉन्सिबल इंसान के लिए या तो वो शादी कर आरएम करे मींस रेवोल्यूशनरी मैरिज अकॉर्डिंग टू आनंद मार्ग सिस्टम है, या सन्यासी बन जाए, क्योंकि दोनों को समाज का काम करना है। तो हम उस बात पे बात उस शादी की बात कर रहे हैं। अब दूसरी शादियां कैसी हैं क्या हैं उस पे भी हम शादी बात कर सकते हैं जी, लेकिन जी। हमारा हम जब शादी और ओथ की बात करते हैं तो हम हमारा जो सोसाइटी बिल्डिंग है आनंद मार्ग का जो सोसाइटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें दोनों चीजें आती हैं। आप हैरान हो जाएंगी, नए लोग हैरान हो जाएंगे कि उसमें सन्यासी
बनाना भी सोसाइटी बिल्डिंग में आता है और आरएम करवाना भी सोसाइटी बिल्डिंग में आता है जी, जी. तो सोसाइटी बिल्डिंग का जो आरएम और सन्यासी है उन दोनों की ओथ होगी. सन्यासी का तो हम नहीं जानते, उस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन जो आरएम है या जो ओथ के साथ शादियां हैं तो उस पे हम लोग बात करेंगे. तो उसमें मेरे ख्याल मुझे लगता है त्रिशा दीदी का जो बहुत से आंसर आ जाएंगे. चला दी कपड़े डलवा दिए. त्रिशा दीदी आप कुछ बोल रही थी. त्रिशा दीदी नहीं, हम तो दीदी यही कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं. एंड मेरे पास भी जो किताबें मैं निकाल करके रखूंगी उनको और देखूंगी, है ना. एंड फिर ये कब होएगा शादी का स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आजकल इतने ब्रेकअप्स हैं, कैसे उनसे डील करो, ये करो वो करो. एंड प्राउड का भी जो है आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फॉर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या आचार्य की. अब ये सब तो हमें माने बाबा फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट तो थे, बट आचार्य नहीं बन सकते हैं जो फैमिली प्लानिंग करा लिए, ये हमें नहीं मालूम था. ये तो आज हमको मालूम पड़ा, मंजला दीदी बता रही, मगर लिखा कहीं नहीं है. लिखा है दीदी, जब जब क्वालिफिकेशंस आती है ना आचार्य बोर्ड से पहले, पहले की बात, अब आज की बात नहीं मैं जानती हूँ. आज क्या क्या लिखा होता है, क्या पहले आज तो हर कोई आचार्य बन रहा है, हर कोई तात्विक बन रहा है. कौन सी किताब में लिखा है? ये जो क्वालिफिकेशंस आती थी ना पहले आचार्य, पहले बाबा के टाइम पे जो आचार्य बनने की क्वालिफिकेशंस थी उसमें ये थे. अब आज का मुझे पता नहीं दीदी, आज तो हर कोई आचार्य बन रहा है. हाँ नहीं मगर गलत है ना ये तो, जो बाबा का ने लिख दिया है वो तो समझिए आप तो वाक्य है ना. आप तो वाक्य तो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है ना हर चीज दीदी. बस यही बात है आजकल तो सच्ची में, विरोधा भी ऐसी बन जाते हैं और आचार्य भी ऐसे बन जाते हैं. आचार्य को जानते हैं सो कॉल्ड गृह आचार्य को जिन्होंने, मगर गृह आचार्य बन कहा रहे हैं, गृह आचार्य तो बन नहीं रहे. नहीं दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बन रहे हैं कुछ. मीतू दीदी हैंड रेज की भी है. हाँ थैंक यू, थैंक यू मीरा दीदी. एक तो मेरी बाइंड करा जाती है दीदी, रिकॉर्डिंग ऑन है तो थोड़ा सेंसर होकर हम लोग बात करें जी. सॉरी. हाँ तो दीदी दूसरा ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया था उसके बारे में अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि विडोअर जो है या जो डायवोर्सी है वो क्यों नहीं बन सकते हैं सीनियर पोस्ट फादर फिगर, उसके लिए सारे बच्चे तो जी, जब जी, उनको जी. उसने छोड़ दिया, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज चाइल्ड. बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब मैरिज में डायवोर्स या विडोअर की बात आती है. सिमिलरली अगर एक आदमी विडो हो गया तो पूरे समाज में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके दो पहिए का काम कर रहे हैं, वो एक ही अकेला पहिया रह गया क्योंकि काम उसका डबल है. तो ही वोंट बी एबल टू गिव एनफ टाइम टू द सोसाइटी बिकॉज ही इज डूइंग द डबल जॉब, डबल इंजन जिसको कहते हैं गाड़ी चल रही है, या फिर चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर आ गई है. तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये विडो वाली बात में आई एम नॉट श्योर दीदी, मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ही शुड नॉट बी विडो और विडोअर, लेकिन बाकी बाकी आई एम श्योर. तो ये विडो ही शुड नॉट बी विडो और विडोअर इसको मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन रीमैरिज के बारे में है कि ही शुड नॉट मैरी डाइवोर्सी एंड विडो दैट वो तो मैं पक्का जी ये तो, लेकिन इस चीज को मैं जरूर देखूंगी कि विडो या विडोर नहीं होना चाहिए. दिस आई डोंट फील, मैं भी नहीं फील करती हूँ कि ये रीजनेबल है. अगर कोई विडो हो जाता है और बच्चे बड़े हो गए होते हैं तो फिर कहाँ ये बात आती है, और बच्चों को पालने के लिए तो जरूरी नहीं कि वो समाज का काम नहीं कर सकता, मुझे भी लगता है. लेकिन मुझे इसको देखना पड़ेगा विडो या विडोर है इसमें या नहीं, लेकिन बाकी चीजें हैं ये आई एम श्योर जी. दीदी आई थिंक अब हम लोगों के बीच में ऐसे कोई है नहीं. नीतू दीदी आपको और कुछ कहना है आज का? दीदी अगर टाइम परमिट करता है तो मैं बोलती हूँ, अदरवाइज फिर टाइम तो दीदी 4:20 हो गया, काफी टाइम हो गया. अगर ज्यादा देर तक कुछ जरूरी बोलना है 2 मिनट तो बोल हाँ. के खत्म करते हैं. अगर राजेंद्र दादा कुछ बोलना चाहते हैं खत्म करने पे, या धानी दादा पुराने दादा हो या कोई दीदी बोलना चाहती हैं तो 2 मिनट खत्म करने से पहले सबको चांस दिया जाए. दीदी मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर बात करना चाह रही थी. जी जी बोलिए बोलिए जरूर दीदी. हाँ देखिए दीदी जो बहुत सारी बातें उठती हैं कि ये डेटा हैक हो गया, मेरी वेबसाइट चली गई है, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी कि जो हमारा ये डेटा है
जो भी हम लिखते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, वेबसाइट पर लिख रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है वो डिकोड होता है। ऐसा नहीं कि हमने ए लिखा है तो कहीं जाकर ए छप रहा है, ये कोडेड होता है और उसके बाद कहीं जाके ए लिखता है। अब ये जो कोडिफिकेशन है, ये कोडिफिकेशन किसी ने बनाई है, और जितने मोस्टली वेबसाइट चल रही है या जितने स्टैंडर्ड पैकेजेस चल रहे हैं जहां हम कुछ लिख रहे हैं मोबाइल पर कंप्यूटर पे, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको फॉलो कर रहे हैं डे फर्स्ट से। मतलब ये मैं बात कर रही हूँ जब से हमारे कंप्यूटर्स आए, माइक्रोसॉफ्ट उसी कोडिफिकेशन को चलाता चला गया। बाइनरी नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे और उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करता रहा, जैसे जैसे नए नए सिम्बल्स आए उसके नए नए कोड्स आए, इमोजीज आए उसकी नए नए कोड्स बनी। तो इस तरह से होता है। अब उसमें क्या होता है, डेटा हमारा स्टोर कैसे होता है, डेटा हमारा थ्रू सैटेलाइट ट्रेवल करता है। तो डेटा पहले तो सैटेलाइट पे जाके एक क्लाउड स्टोरेज होता है, थोड़ी देर के लिए वहां स्टोर होता है, उसके बाद जहां उस वेबसाइट ने कहा, जैसे फेसबुक ने कहा ये मेरा एरिया है मेरा डेटा यहाँ मुझे ला कर दो, तो उसको वहां पहुंच जाएगा। सिमिलरली वेबसाइट ने कहा कि मेरे पास, मैंने गूगल से इतना डेटा लिया हुआ है, तो गूगल के पास जाके उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। अब आती है डेटा हैकिंग की। देखिए एक तो बात ये होती है कि हम लोगों का डेटा बिकता भी है। अगर आप देखें तो फेसबुक जो है दे सेल योर डेटा, इट इज वेरी मच ओपन। गूगल भी आपका डेटा सेल ऑफ करता है। सपोज आप गूगल पे कोई एक अमेजोन की साइट खोल रही हैं और आप साड़ियां देख रही हैं, आप वो अमेजोन को बंद कर दीजिए, बट फिर उसके बाद गूगल की आप कोई भी साइट खोलिए गूगल पे बैठ के, चाहे आप फेसबुक खोल रही हैं, चाहे आप कोई भी साइट जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो आपको साड़ियों की वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगेंगी। सो दे आर सेलिंग योर डेटा। सेलिंग जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली होके किसी को दे दिया, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसके अंडर में वो सेल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था कि भाई आप हमारा डेटा ऐसे सेल कर दिया वैसे कर दिया, उसमें क्या हुआ, उनसे गड़बड़ हो गई थी, डेटा लीक होने लगा था और फेसबुक बहुत लोगों का हैक हुआ था। आज से 7-8 महीने पहले आपने देखा होगा हर जगह फेसबुक पे मैसेज आ रहा था मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, कोई मेरे अकाउंट से ऐसे मैसेज दे रहा है वैसे दे रहा है। तो उसमें फेसबुक पे हैक नहीं हुआ था, जब डेटा ट्रेवल कर रहा था यहाँ से थ्रू इंटरनेट तो वहीं पर डेटा हैक हो गया। अब अगर हमारा डेटा हैक इतना इजीली हो जाता है तो बैंक पे हम इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या हमारी जो ये मीटिंग्स है लेट्स से जूम मीटिंग है या कोई भी मीटिंग है उस पर हम कैसे रिलाय कर सकते हैं। उसमें उन लोगों ने क्या किया, जो कोडिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है उसको उन्होंने लिया ही नहीं, ना बैंक लेता है ना ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, ये सब गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो भी जब मीटिंग का डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए एक डिफरेंट कोडिफिकेशन रखते हैं, और ये डबल कोडिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए मीरा प्रकाश जी को मैंने एक कोड दे दिया एमपी, उस एमपी का एक मीरा प्रकाश का एक कोड बना एमपी, फिर इसका डबल एक कोड होगा, एमपी को एक कोड दे दिया मैंने 001, तो स्टोर क्या हुआ 001, बट प्रोग्राम कौन से चले, दो कोडिफिकेशन के प्रोग्राम चले। ये सारा का सारा काम किस लिए होता है, डेटा सिक्योरिटी के लिए होता है। और डेटा सिक्योरिटी में एक चीज और होती है, दैट इज गेटवे, आप उस वेबसाइट में घुस कैसे रहे हो। जैसे आपने बैंक का है, बैंक की वेबसाइट में जब आप घुसते हो और एक जनरल व्हाट्सएप की अपनी वेबसाइट में घूमते हो, मान लो navchetna.com में, दोनों की एंट्री बहुत अलग है। जो बैंक का गेटवे है वो समझ लीजिए एक तरह का 7 तरह के ताले उसमें लगे हैं, तभी आप एंटर कर सकते हो। अपना भी अगर आप अकाउंट मोबाइल पर ओपन कर रहे हो तो भी आपको वो गेटवे के सारे ताले क्रॉस करने होंगे। बैंक देखता है कि कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है। कई बैंक तो ऐसे होते हैं कि अगर आप साइबर कैफे में जाके उनकी वेबसाइट खोलो तो बैंक अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस आईपी एड्रेस का ये बिहेवियर है, ये आईपी एड्रेस जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह से गेटवे एक तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, चाहे वो जूम कर रहा है, चाहे वो आपका जीमेल है, जीमेल भी गेटवे को बहुत स्ट्रांगली उसने पकड़ा हुआ है, बैंक से भी पकड़ा हुआ है। दूसरा जो डेटा जा रहा है, चाहे आप उसमें वीडियो डाल रहे हैं अपने, चाहे आप उसमें जैसे जूम का वीडियो है, या आपने वॉइस मैसेज डाल दिए, या आपने टेक्स्ट डाल दिए, व्हाट्सएप भी वही करता है काम, तो वो सारे के सारे जो कोडिफिकेशन हो रहा है डबल सिस्टम से हो रहा है। अब अगर कोई हैकर है
तो वो या तो आपके गेटवे से जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ताले लगे हैं उसमें, या फिर वो स्टोरेज पे जाके करेगा। स्टोरेज पे इसलिए जा सकते हैं क्योंकि जब वो डेटा ट्रेवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं से लूपहोल मिल जाता है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम है जहाँ इंटरनेट को लेकर बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, मतलब जो उसमें काम कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो लीक द डेटा। तो वो क्या करेगा, जैसे अगर वो डायरेक्ट डेटा स्टोरेज को भी एक्सेस करेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये 001 जो है ये मीरा प्रकाश है। उसको 001 क्या नजर आएगा, अगर वो डीकोड भी कर ले सपोज तो वो एमपी आएगा। अब इसमें क्या होता है, जब इस तरह की कोडिफिकेशन होती है तो क्योंकि ये टेलर मेड कोडिफिकेशन थी, एसबीआई ने अपने के लिए एक आदमी को रखा था कोड करने के लिए, वो कोडिफिकेशन वाला आदमी एक्सिस बैंक में नहीं कर रहा है काम, तो इस तरह की वेबसाइट को हैक भी किया जाता है। जैसे आर्मी में और ये सब जो स्पाइज होते हैं, ये लोग तो हैकर्स रखते ही हैं प्रोफेशनली, तो हैकिंग का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर किसी को किसी की वेबसाइट हैक करनी है तो उसको, जैसे हमने चाबी वाले को बुलाया तो वो एक स्टैंडर्ड चाबी तो लेकर आता है लेकिन बार बार चाबी लगा के देखता है, फिर उसको ठोकता है बजाता है, फिर दोबारा चाबी लगाता है, तीन बार लगाता है, चार बार लगाता है, तब जाके वो आपका ताला खोल के देता है। सिमिलरली हैकर भी बैठता है वहीं पर, उस प्रोग्राम उस पूरे बिहेवियर को समझता है उसकी प्रोग्रामिंग की, मतलब कैसे कैसे लॉक है, एक एक उसके जो की पॉइंट्स है प्रोग्रामिंग के उसको ब्रेक करना शुरू करता है, तब जाके वो हैक कर सकता है। तो हम लोगों को ये नॉलेज भी होने चाहिए कि हैकिंग कैसे होती है और हमारी डेटा सिक्योरिटी क्या है। थैंक यू दीदी, नमस्कार, इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू सो मच दीदी। मीतो दीदी, मीतो दीदी, समय बहुत हो गया लेकिन मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो फोन में जो मैसेजेस डिसअपीयर होते हैं और वहां लिखा होता है कुछ की पता नहीं क्या, डिसअपीयर मैसेज डिसअपीयरेंस ऑन या कुछ, वो क्या चीज है और उसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन अगर अभी समय नहीं तो मैं आपको प्राइवेटली पूछूं। तो व्हाट्सएप ने दिया हुआ है बिकॉज बहुत लोगों की कंप्लेंट आने लगी थी कि बल्क में व्हाट्सएप हो रहे थे, तो व्हाट्सएप अब एक तरह का एडवर्टाइजमेंट का भी माध्यम बन गया है। तो कोई अगर अपना बल्क के व्हाट्सएप को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता या वो चाहता है कि भी हर हफ्ते हर 10 दिन बाद इसके साथ मैसेज उड़ जाए, तो उसको एक व्हाट्सएप ने ऑप्शन दिया हुआ है कि वो लिख सकता है कि आई वॉन्ट टू गेट दिस मैसेजेस रिमूव आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 90 डेज, वो इस तरह के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। और अगर वो कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करता तो वो व्हाट्सएप उस डेटा के आपको रखेगा संभाल के, और वो चाहे आप 1 साल बाद हो। आप देखिए गर्ल प्राउटेस्ट का हम कभी अलाउ नहीं करते हैं कि गर्ल प्राउटेस्ट ग्रुप का जो मैसेज है वो कभी डिसअपीयर हो, क्योंकि हमें पुराने पुराने मैसेजेस भी चाहिए होते हैं। तो एज पर हिज ओन चॉइस एनीबडी कैन सेलेक्ट हिज डिसअपीयरिंग मैसेज ऑप्शन। थैंक यू दीदी। नमस्कार मीरा दीदी, मेरे ख्याल से मैंने जल्दी जल्दी बताया है बट होपफुली ये थोड़ा सा क्लियर होगा लोगों को। ओके मीतू दीदी, हो गया आज का हम लोग प्रोग्राम सेशन एंड करें क्योंकि काफी टाइम हो गया। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट ट्यूजडे और वेडनेसडे आप लोग जरूर जुड़े, हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग लेंगे शादी में ओथ एंड इवेंट्स, आचार्य और सन्यासी को ओथ का क्या महत्व है और क्यों इसको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दीदी, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।